विसर्जन को लेकर हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके तहत प्रशासन को व्यवस्था करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सीपीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शहर पुलिस ने 4000 कर्मचारी बंदोबस्त में लगाए हैं। सभी गणेश मंडलों के साथ पुलिस की चर्चा हो चुकी है। मंडल का जुलूस कहां से कहां तक जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को है। हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला गणेशोत्सव का पर्व आखिरकार शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मनपा ने अपील की है कि नागरिक अपने मोहल्ले के कृत्रिम सरोवर में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करे, तो वहीं आयुक्त ने शहर में विसर्जन स्थलों पर जाकर इसका निरीक्षण किया। उन्हीं के नेतृत्व में स्वच्छता विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपद्रव जांच दल के साथ 1000 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। घरगुती विसर्जन आणि जे सार्वजनिक मंडल आहे जे 4 फीटचे खाली मूर्ती आहे त्याचे विसर्जन तिथे होणार आहे। मोठे मूर्तीचे विसर्जन मुख्यतः कोराडी येथे बनलेले आर्टिफिशियल तलाव आणि वेणा नदी काही इतर जे रनिंग वॉटर बॉडीज आहेत तिथे होणार आहे। सर्व ठिकाणी आवश्यक पुलिस बंदोबस्त लावण्यात आलेले आहे। तसेच विसर्जन से मिरवणूक आणि वेगवेगळे जे महत्त्वाचे ठिकाण आहे, उदाहरण फुटाला तलाव, सक्करदरा तलाव, सोनेगाव आणि शुक्रवारी इथे मोठ्या प्रमाणात घरगुती विसर्जन होणार आहे। सर्व ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आलेले आहे। एकूण अंदाजन 4000 पोलीस अधिकारी कर्मचारी तसेच होमगार्ड्स आणि SRP कंपनी अशा प्रकारचे मोठा बंदोबस्त लावण्यात आलेले आहे। सर्व गणेश मंडळांसोबत आमचे अधिकाऱ्यांची, पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकाऱ्यांची चर्चा झालेली आहे आणि योग्यरित्याने त्यांचे उत्साहात ते विसर्जन पार पाडतील, त्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन पूर्णपणे सर्व मंडळांना मदत करतील, कायद्याचे अधीन राहून सगळे विसर्जन शांततेत पार पाडेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे। इकडे एकूण 4000 पोलीस अधिकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष उद्या बंदोबस्तला राहणार आहे। त्याचे व्यतिरिक्त आमचे 5 मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हेकिल्स आहे, जे कोराडी, फुटाला तलाव, शुक्रवारी, सक्करदरा आणि सोनेगाव तलाव या ठिकाणी मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हेकल्स राहणार आहे, जिथे CCTVs आणि ड्रोन्सचे वापर करून सगळे मॉनिटर होईल। तसेच जे स्मार्ट सिटीचे 3500 कॅमेराज आहेत त्यांना पूर्णपणे मॅपिंग करण्यात आलेली आहे आणि त्यांचे पण वापर यामध्ये होणार आहे। मोठ्या प्रमाणात आमचे पेट्रोलिंग मोबाईल्स इंटेन्सिफाय करण्यात आलेली आहे आणि बरेचसे वाहन रेक्विजिशन करून किंवा भाड्यावर घेऊन आम्ही मोठ्या प्रमाणात पोलीस प्रेझेन्स रस्त्यावर आपल्याला दिसणार आहे। आपको बता दें कि विसर्जन के लिए शहर के सभी 10 जोनों के अंतर्गत 204 से अधिक स्थानों पर 390 कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। CPM नीतीश कुमार ने बताया कि शहर पुलिस ने इसके लिए 4000 कर्मचारी बंदोबस्त में लगाए हैं। कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सभी गणेश मंडलों के साथ भी पुलिस की चर्चा हो चुकी है। मंडल का जुलूस कहां से कहां तक जाएगा, इसकी भी जानकारी पुलिस को है। हर मंडल के जुलूस के साथ पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मंडलों के वापस निर्धारित स्थान पर लौटने तक पुलिस उनके साथ रहेगी। सभी मंडल के पदाधिकारियों से अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का वे पालन करें। सिटी पुलिस के साथ 1000 होमगार्ड और SRPF की एक कंपनी तैनात रहेगी। बहरहाल आपको बता दें कि इस दौरान यातायात पुलिसकर्मी और बंदोबस्त में लगाए गए कर्मचारियों का आपस में समन्वय होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आला अधिकारी द्वारा सभी को अपनी अपनी ड्यूटी से अवगत करवा दिया गया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।